हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं अपेक्स ज्ञान चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एचपी प्रिंटर से जो रंगीन फ़ोटो निकालते हैं उसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि इस टॉपिक पे मैं क्यों वीडियो बनाना चाह रहा हूं। तो कई बार मेरे से सवाल पूछे गए हैं कि जो एचपी पे फ़ोटो निकालते हैं रंगीन फ़ोटो, तो उसमें क्या ब्लैक स्याही आपकी रिमूव होती है, वो ब्लैक स्याही क्यों रिमूव होती है, उसका क्या कारण है, किस सेटिंग से आप वो समस्या दूर कर सकते हैं। तो रेगुलर मेरे वीडियो पर बने रहे। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं अपेक्स ज्ञान चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको रंगीन फोटो जो आपके ब्लैक स्याही रिमूव होती है, तो उसके बारे में एक एग्जांपल डेमो में बता देता हूं आपको। तो ये मैंने कुछ फ़ोटो निकाली थी। इस फोटो में आप एक फ़ोटो ऐसी देख सकते हैं, ये फ़ोटो इसका ब्लैक जो स्याही है वो रिमूव हो रही है। तो ये रिमूव क्यों हो रही है, सूखने के बावजूद भी, एक दो दिन आप सुखाने के बावजूद भी ये रिमूव हो रही है, इसका क्या कारण है। तो मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि ये क्यों रिमूव हो रही है। ये ब्लैक स्याही है और ये हम हटाते हैं और ये ब्लैक स्याही हट रही है। ये देखिए, तो देखा आपने ये ब्लैक जो स्याही है ये कैसे रिमूव हो रही है, इसका क्या कारण है, तो इसमें क्या सेटिंग करनी पड़ेगी जिससे ये ब्लैक स्याही आपकी रिमूव नहीं हो। तो इसमें एक बेसिक सी सेटिंग होती है, वो आपको सीखना ज़रूरी है। तो हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेके चलेंगे, वहीं आपको ये एचपी की प्रिंटर की जो सेटिंग है उसमें आपको करके बताएंगे कि ये किस तरीके से ठीक होगी, क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आई थी, इसलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। तो रेगुलर मेरे वीडियो को देखते रहे। तो चलिए हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पर हमने फोटोशॉप ओपन करना है, फोटोशॉप जो एडोब फोटोशॉप है। एडोब फोटोशॉप में हमने ऑलरेडी एक फ़ोटो को कट पिट के और सेटिंग करके हमने कंप्लीट कर लिया है। तो एक फ़ोटो हमने जमा के देखी है डेमो के तौर पे, आपको इसी को निकाल के बताएंगे। इसकी मैंने क्रॉप वगैरह फ़ोटो से फ़ोटो बना के आपको बताइए, देखिए ठीक है। अगर आप भी पासपोर्ट साइज़ से रिलेटेड एक वीडियो चाहते हैं कि किस तरीके से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो से फ़ोटो बनाते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपको बना दूंगा। वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे कि आपको इस तरीके की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो फिर ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मुझे इस चीज़ का प्रिंट चाहिए एक फ़ोटो का, तो मैं प्रिंट पे जाऊंगा। प्रिंट पे जाने के बाद मैं प्रोसेस पे क्लिक करूंगा। इसमें कुछ सेटिंग होती है, जो मेरा HP DeskChart 2130 सीरीज़ का मॉडल है, तो यहाँ पर तो आपका मॉडल रहेगा। और प्रॉपर्टीज़ में चेक करना है आपको। इसके अलावा आल प्रिंट रेंज आपकी आल और नंबर ऑफ पेज 1 रहेगा, एक प्रिंट निकाल रहे हैं इसलिए एक रहेगा। प्रॉपर्टीज़ में जाके देखेंगे, तो प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको यह चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आपका प्रिंटिंग शॉर्टकट रहता है उसमें एक सेटिंग होती है, प्रिंट क्वालिटी नॉर्मल होनी चाहिए और पेपर टाइप होता है प्लेन पेपर। तो ये जो अगर आपके नॉर्मल पेज की सेटिंग हो रही है तो इसी की वजह से आपका ब्लैक स्याही रिमूव होता है, तो इसको आप चेंज कर लें। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात, प्लेन पेपर की बजाय आप HP फोटो पेपर कर सकते हैं या अदर फोटो इंकजेट पेपर भी कर सकते हैं। तो मैं HP फोटो पेपर पे क्लिक कर दूंगा। HP फोटो पेपर पे जो ही क्लिक करेंगे, नॉर्मल साइज़ आपको रखनी है, पेज एक साइज़ है ठीक है, और लेआउट आदि सब सेटिंग्स आप चेक कर ले। ये देखिए HP फोटो पेपर हो चुका है। और एक बात और, यहाँ पर कलर सेटिंग हो रही है, कलर की जो ब्लैक एंड वाइट और कलर, तो ये ऑलरेडी ब्लैक एंड वाइट पे मिलेगा, तो कलर पे आपको करना है, कलर फ़ोटो निकालनी है तो ठीक है। तो ये सेटिंग मेरी ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, आप देख सकते हैं HP फोटो पेपर। मैं इससे ओके कर देता हूँ ठीक है। और यदि आप एक बार और चेक कर ले, चेंज तो नहीं हुई, ये देखिए HP फोटो पेपर पे ही हो रहा है। अब मैं इसको फाइनली प्रिंट आउट दे देता हूँ। प्रिंट आउट देने के बाद जो निकल के आएगा रिजल्ट वो आपको बताएंगे अभी। तो प्रिंटिंग हो रहा है, ये प्रोसेस। ये देखिए, तो ये हो गया हमारी फाइनली
ये सेटिंग करने के बाद ये प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है, ब्लैक स्याही रिमूव नहीं हो रही है। आप देख सकते हो मैंने अभी जस्ट निकाली है और निकालने के बाद कोई भी ऐसा रिजल्ट मुझे देखने को नहीं मिला है। तो यही बात ध्यान में रखनी है, HP फोटो पेपर पे क्लिक करना है। और यदि आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे निकाले, किस तरीके से निकालते हैं, क्या क्या सेटिंग करनी पड़ती है, यदि आपको इससे रिलेटेड एक वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसी के आधार पर आपको वीडियो लेकर आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कि यदि आप ये सेटिंग कर लेंगे तो आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से आपकी अच्छी क्वालिटी में एक फ़ोटो जनरेट होगी, जिसमें ब्लैक कलर भी आपका रिमूव नहीं होगा और बढ़िया तरीके से आपका पासपोर्ट साइज बन के आएगा। तो ये सेटिंग आप ज़रूर कर ले, और क्योंकि प्लेन पेपर पे आप अगर रंगीन फ़ोटो निकालने की कोशिश करेंगे तो यही प्रॉब्लम आएगी, इसलिए ये सेटिंग को ओके कर ले। और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।